हेलो फ्रेंड्स, रत्ना मिचाई के में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे एकदम नया नाश्ता, फाइबर प्रोटीन से युक्त तो हेल्दी नाश्ता। ये नाश्ता आपने शायद ही कभी बनाया और खाया होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले। इसी तरह आपके साथ मैं नई रेसिपी शेयर करती रहूँगी। ये मैंने 1.5 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल ली है और दाल मैंने इस कप से ली है। दाल को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था। मिक्सर में हम दाल को पीस लेंगे। पानी इसमें बस इतना ही डालना है कि दाल पीसा जाए। पानी इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर और इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही रखना है। तो बाकी जो बची हुई दाल है वो भी हम इसमें डालकर और पीस लेंगे। इसमें टेस्ट अच्छा लाने के लिए 1 कप हरा धनिया डालेंगे, 7 से 8 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 इंच के करीब इसमें अदरक डालेंगे। 4 चम्मच दही डालेंगे। साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, इसका कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और इसकी हम स्टफिंग बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए। तो ये 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। बाउल में 3 चम्मच प्याज डालेंगे, 3 चम्मच टमाटर, 3 चम्मच शिमला मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। किसा हुआ पनीर डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी काट कर डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये हमारी हो गई स्टफिंग तैयार। नॉन स्टिक पैन मैंने थोड़ा गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखना है। जो हमने दाल का बैटर बनाया था वो डालेंगे और आप जितना बड़ा नाश्ता बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच का ही नाश्ता बना रही हूँ। अब इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई है थोड़ी सी वो डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। थोड़ा सा स्टफिंग के ऊपर भी तेल डाल देंगे। नीचे से ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है तो इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। आपको दूसरी साइड ये ध्यान रखना है कि नीचे पनीर है तो वो जले नहीं, तो आपको बीच बीच में इसे चेक करते रहना है। अगर आप इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो कम भी डाल सकते हैं और गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है। और ये देखिए, दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना झटपट बनकर तैयार हो गया है।
ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये क्रिस्पी के साथ कितने सॉफ्ट बने हैं।